स्वास्थ्य सेवा हवा पर धनोरा तालुका प्रतिनिधि रंगी में क्षेत्र के कई गांवों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए पूरे स्वास्थ्य केंद्र की छत से पानी रिस रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के कार्यप्रणाली का असर मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों पर देखने को मिल रहा है। रंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य भवन जो धनोरा से 18 किलोमीटर दूर है बहुत पुराना और जर्जर है और पूरी छत टपक रही है। इमारत में दरारें नजर आ रही हैं। ऐसे में मरीज का इलाज कैसे किया जाए, यह सवाल दानकर सहित सभी ने उठाया है। अस्पताल के मुख्य भवन का पूरा हिस्सा पानी लीक कर रहा है, इसलिए उक्त भवन खतरनाक है, लेकिन देखा जा रहा है कि सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। इसके अलावा नव निर्मित और मरम्मत किए गए पुरुष वार्ड, सिन वार्ड, मीटिंग हॉल है, छत से भी लीक हो रहा है। इसके अलावा नवनिर्मित और मरम्मत किए गए पुरुष वार्ड, सिन वार्ड, मीटिंग हॉल की छत से भी लीक हो रहा है। स्वाभाविक रूप से यह कैसे करना है, इसका सवाल उठता है। डॉक्टर कैबिन में नहीं बैठ सकते, डॉक्टर ने अपना स्थान बरहरा स्थानांतरित कर दिया है। हालांकि मूल भवन छोड़ दिया गया है, एक और भवन का निर्माण किया गया है और भवन की बार बार मरम्मत के बाद भी रिसाव की मात्रा कम नहीं हुई है। मुख्य भवन जीर्ण शीर्ण और दरारे हैं, छत से पानी रिस रहा है। जीर्ण शीर्ण भवन की समय पर मरम्मत की जानी चाहिए, इसके कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वर्तमान में निष्क्रिय है। नागरिकों की मांग है कि भवन का निर्माण नए सिरे से किया जाए। अहिरी से BCN न्यूज के लिए आसिफ पठान की रिपोर्ट।